मैं बताऊंगा कि आप अपने लैपटॉप से अपने मोबाइल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये अटैच कर दिया है मोबाइल अपने लैपटॉप से, वो स्क्रीन आपको सेम दिख रही होगी, यूएसबी केबल के ज़रिए मैंने अटैच किया है। तो सपोज़ मैं लैपटॉप स्क्रीन पे इसको कंट्रोल करना चाहूँ, देखिए सपोज़ मेरे को क्रोम खोलना है, तो मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन से खोलूँगा तो मोबाइल में भी अपने आप खुल जाएगा, देख रहे हो। ये कैसे करें ये देखेंगे इस वीडियो में, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको आपके लैपटॉप से अपने मोबाइल को कंट्रोल करना है तो आपको दो फाइल्स डाउनलोड करनी पड़ती है। तो सबसे पहली फाइल्स आती है ये SDK प्लेटफॉर्म टूल रिलीज मेक वेबसाइट। SDK मतलब होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, जो बेसिकली ADB इसका पार्ट है। ADB मतलब होता है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज। सो अगर आपके एंड्रॉयड को कंट्रोल करवाना है आपके लैपटॉप से तो इसकी फाइल एक आपको करनी पड़ेगी डाउनलोड। नीचे नीचे जाएंगे, वेयर इज द फाइल, ओके ये देखिए डाउनलोड SDK प्लेटफॉर्म टूल्स फॉर विंडोज़। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, पढ़ लेना है, इसको कर लेना है डाउनलोड। इसके बाद आता है स्क्रैपी। सो स्क्रैपी क्या है, एक फ्री एंड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली यूज़ होता है एंड्रॉयड को मिरर कराने के लिए, और ये तीनों जगह चलता है, मतलब विंडोज़ पे, मैक पे और लिनक्स पे। और ये जो है ना SDK प्लेटफॉर्म का टूल, ये भी तीनों जगह चलता है, विंडोज़ पे, मैक पे और लिनक्स पे। सो आफ्टर डाउनलोडिंग थ्री, देखिए मैं स्क्रैपी 64 का करूँगा, 64 बिट, आप अपने हिसाब से आपके लैपटॉप की या कंप्यूटर के हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो दोनों फोल्डर डाउनलोड होने के बाद देखिए प्लेटफॉर्म वाले जिप फाइल और स्क्रैपी वाली जिप फाइल, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया है। आपको एक्सट्रैक्ट करना है, सिंपली एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ता है और एक्सट्रैक्ट हेयर। तो दोनों फाइल्स हो गई है, तो अपने को जाना है सी ड्राइव में। फर्स्ट सी ड्राइव में जाएंगे, एक नया फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर ADB। ओके सो ऑलरेडी मेरे पास बना है, सो एस हिडन फोल्डर, मेरे पास ऑलरेडी ADB फोल्डर बना है, तो इसमें काम करेंगे हम। इसको करना है कंट्रोल ए कंट्रोल सी, ADB में जाएंगे, इसको करेंगे पेस्ट, तब तक दूसरा जो स्क्रैपी वाला है, जितने भी स्क्रैपी की और प्लेटफॉर्म SDK की जो भी फाइल है उनको कॉपी करना है एक जगह, एक फोल्डर में ADB में। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो देखिए मैंने ADB का फोल्डर रेडी कर दिया है, इसमें स्क्रैपी का और जो SDK के जो भी फाइल्स है उसमें इसमें पेस्ट कर दी है पूरी फाइल्स। इसके बाद हमको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट में, कंट्रोल विंडोज R CMD, यहाँ पर टाइप करना CD डॉट डॉट सी, देन फिर से CD, इसके बाद CD ADB, ADB आ गया। इसके बाद हमको जाना पड़ेगा हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में और इनेबल करना पड़ेगा डेवलपर ऑप्शन। उसके बाद जो USB डिबगिंग है उसको टर्न ऑन करना है, तो जाते हैं हम हमारे एंड्रॉइड में। सेटिंग में जाएंगे, उसके बाद जाएगा सिस्टम, उसके बाद जाना है अबाउट में, यहाँ पे बिल्ड नंबर है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इतने बार टाइप करने के बाद डेवलपर ऑप्शन खुल जाएगा, एंटर करना है। इसके बाद बैक करेंगे, ये देखिए डेवलपर ऑप्शन खुल गया है। सो इसको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे 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 नीचे, यहाँ पे USB डीबगिंग है, इसको टर्न ऑन कर देना है। ओके जैसे ही ओके कर दिया, USB केबल से इसको कनेक्ट कर देना है, देन लैपटॉप से USB केबल से मैंने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे और एक ऑप्शन आया, इस पर देना है ओके। ऑप्शन स्टार्ट करने के बाद मोबाइल में
हमको जाना है CMD में अगले स्टेप पे। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे ADB डिवाइसेस, करेंगे एंटर। देखिए मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको करना है ओके। पॉपअप आएगा एक मोबाइल में, इसके बाद ऐप एंटर करना है CRCPY। देखिए आ गया मोबाइल, आ गया। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बाजू की बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए। थैंक यू।